प्लांट लगा ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो हमारा एक अपडेट वीडियो होने वाला है। जो हमने क्राइसेंथम की कटिंग लगाई थी उसका वीडियो यहाँ जो आई बटन पे लिंक आ रहा वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये क्राइसेंथम की कटिंग लगाई होगी। देखिए ये चार कटिंग हमने लगाया है। तो आज इसका लगभग कटिंग लगाए हुए हमारा 15 दिन हो गया है। तो आइए हम लोग इसे निकाल करके देखते हैं। इसे हम लोग निकालेंगे और उसके बाद इसको हम लोग फर्स्ट पार्टिंग करेंगे। तो आइए हम लोग इसे निकाल के देखते हैं कि ये इसमें कहाँ तक कटिंग स्टार्ट हुआ और कितनी रूटिंग हुई है। ये देखिए काफी अच्छी तरह से रूट बाउंड हो गया है। इसे हम लोग निकालते हैं। तो ये काफी अच्छी तरह से इसका रूटिंग हो गया है। मुझे तो लग रहा है ये निकल नहीं रहा। देखिए इसका रूट्स देख सकते हैं। इसे हम लोग और निकालते हैं। ये देखिए क्राइसेंथमम की कितना बेहतरीन रूटिंग हो गया है। इसमें देख सकते हैं और भी निकालते हैं हम लोग। ये देखिए रूटिंग। बिल्कुल जेंटली एकदम आराम से कीजिए ताकि इसके रूट्स को हानि ना पहुंचे। जैसे कि ये पॉट को पकड़ लिया है ये कटिंग्स। ये हमारा कटिंग, ये रहा हमारा कटिंग। तो आइए इसे हम लोग इसका फर्स्ट पॉटिंग करेंगे। तो ये क्राइसेंथमम जो हमारा निकला ये देखिए, इससे हम लोग तुरंत रिपोर्टिंग करेंगे। अगर आपको आपने पहले से सॉइल प्रिपेयर करके नहीं रखा है तो आप क्या कीजिए, एक कंटेनर ले, इसे पानी डाले, ये कटिंग को पानी में डाल करके छोड़ दें ताकि ये ड्राई आउट ना हो जाए। और हम लोगों ने ये पॉटिंग सॉइल तैयार करके रखा है। तो ये पॉटिंग सॉइल वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बने रहिए कि हम लोगों ने क्या पॉटिंग सॉइल लिया है। तो आइए उसके बाद हम लोग इसका फर्स्ट पॉटिंग करेंगे। फर्स्ट पॉटिंग करने के लिए हम लोग ये एक ग्लास ले रहे हैं। ये देखिए 200 ml का एक पेपर कप है और इसमें हम लोग जस्ट सिंपली एक होल कर देंगे। ये देखिए इसमें हम लोग जस्ट सिंपली होल कर देंगे। किसी भी चीज की मदद से आप इसमें होल कर ले। जरूरी है बड़ा से बड़ा ड्रेनेज होल बनाए। और ये पॉटिंग सॉइल लेंगे हम लोग, जस्ट इसमें डालेंगे और अपना कटिंग लेंगे, इसको इसमें जस्ट प्लेस करेंगे। अभी ये मिट्टी पकड़ ले एक बार, तब इसे हम लोग 4 से 5 इंच के पॉट में इसको ट्रांसफर करेंगे। जस्ट इसमें हम लोग मिट्टी डाल दे हल्का सा, इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर दे, हल्का सा इसे ठोक दे जिससे ये पकड़ ले नीचे। ये गया हमारा एक, और भी हम दो को प्लांट कर लेते हैं। हम लोगों ने इसे आप देख सकते हैं लगा लिया है। इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर लें ये, और हम लोग इसमें तुरंत वाटरिंग कर देंगे। तुरंत वाटरिंग करना है, बिल्कुल जरा सा ही देर नहीं करना। एकदम हल्के हाथों से आस्ते 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 इसमें पानी डालें, भरपूर वाटरिंग कर दें इसकी तुरंत। ये हो गया इसका वाटरिंग। और जैसे कि मैंने बोला था, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इसके पॉटिंग सॉइल हम लोगों ने क्या लिया है। तो इसका पॉटिंग सॉइल हम लोगों ने लिया है 2 भाग गार्डन सॉइल, 2 भाग गोबर की खाद और 1 भाग सैंड। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, इसमें कोई फर्टिलाइजर हमें ऐड नहीं करना है। उसके बाद हम लोगों को इसे फर्स्ट पॉटिंग करना है। ये 10 से 15 दिन इसमें रहेगा, इसमें हमें कुछ नहीं देना है। अभी फिलहाल 5 दिन बाद इसमें ये जब प्लांट डाउन हो गया है, अभी ये जो प्लांट नया खड़ा होगा, न्यू स्पॉट्स आने स्टार्ट होंगे 5 से 10 दिन के बाद, इसमें हम लोग एक बार फंगीसाइड के स्प्रे करेंगे। फंगीसाइड का स्प्रे कोई भी फंगीसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं, सांप हो, रिडोमिल हो, बेबिस्टीन हो, कार्बन डाइजिम और मैंकोजेब कॉम्बिनेशन वाला कोई भी फंगीसाइड, 1 ग्राम फंगीसाइड 1 लीटर पानी में डाल के इसमें हम लोग स्प्रे करेंगे। वो स्प्रे करने के बाद हम लोग उसका स्प्रे करने के 3 दिन बाद इसमें हम लोग 12:61:0 ये रेशियो का NPK 1 ग्राम 1 लीटर करके इसमें स्प्रे करेंगे। उसके बाद इसके 15 दिन बाद, मैंने इसे आज हमने लगाया, आज से करीब करीब 15 दिन बाद इसे हम लोग 4 इंच के पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे।
उसके 4 इंच की पॉट में ट्रांसफर करेंगे, फिर उसका कैसे केयर करना है वो बताएंगे, उसके बाद फिर वो उसे हम लोग 6 इंच में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद फिर 8 इंच में, उसके बाद 12 इंच में, और वो 12 इंच पॉट में ही हमारा फ्लावरिंग होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।